एनिमल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4। एनिमल की तेज दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने मंडे को की इतनी कमाई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी है। फिल्म ने सोमवार को जबरदस्त कमाई करते हुए मंडे लिस्ट मस्ट टेस्ट पास कर लिया है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि सिनेमा घरों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। फिल्म की सोमवार की कमाई के आंकड़े मेकर्स और स्टार्स काफी ज्यादा खुश करने वाले हैं। इस फिल्म पर विकी कौशल की फिल्म सेम बहादुर का कोई असर नहीं पड़ा है। आइए जानते हैं कि रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल ने कितनी कमाई की है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म ने सोमवार को जबरदस्त कमाई करते हुए 40.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म एनिमल ने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अब तक 216.64 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने साउथ इंडियन की भाषा में सोमवार को 4.41 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए अब तक कुल 29.59 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का 4 दिनों में भारत में कुल 246.23 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। इस फिल्म ने रणबीर कपूर की लाइफ बना दी। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके साथ ही विकी कौशल की फिल्म सेम बहादुर भी रिलीज हुई थी। फिल्म एनिमल के आगे फिल्म सेम बहादुर धड़ाशाही हो गई है। फिल्म एनिमल का जहां हिंदी में 216.64 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है तो फिल्म सेम बहादुर ने 4 दिन में सिर्फ 29.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बताते चले कि संदीप वांगड़ा रेड्डी की फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी महत्वपूर्ण भूमिका में है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।